आज इस रोजगार मेले के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे साथ अतिथि के रूप में मंच पर सांसद महुआ मांझी जी, विधायक राजेश कच्छप जी, राज्य के मुख्य सचिव ख्यांगते साहब, हमारे प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे जी और उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह जी, जियाडा एमडी शशि रंजन जी यहां उपस्थित, आप ही के कंपनी के और अध्यक्ष एएएमजे के दीपक अग्रवाल जी और सबसे बहुचर्चित चेहरों में से एक एप्रल इंडस्ट्री के दीपक ढिंगरा जी और यहां उपस्थित हम सभी सुधीर ढिंगरा जी, माफ कीजिएगा, और यहां हमारी उपस्थित सभी बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां उपस्थित हमारी जो इतनी बड़ी महिलाओं का समूह दिख रहा है और इस समूह को हिम्मत और आत्मनिर्भर बनाने वाले एप्रल इंडस्ट्री के सभी उद्योग घरानों को मैं आभार प्रकट करता हूं और यहां बैठी सभी महिला समूह को आप सबको ये बात पता है कि जब हमने सरकार बनाई थी, सरकार ने ठीक से अपना कार्यभार संभाला भी नहीं था। कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में छा गया और इतना भयावह और इतना डरावना ये कोरोना कोविड था, मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद इतना और इस तरीके का वैश्विक चुनौती दुनिया ने कभी नहीं देखी, देश ने भी नहीं देखा। और ऐसी चुनौती, ऐसी समस्या सबसे अधिक तकलीफ देह गरीब पिछड़े राज्यों के लिए होता है। जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, असहाय हैं, उसके लिए तो ऐसे चुनौती एक अभिशाप की तरह हो जाता है। और आपको ये भी पता है कि इस दौरान पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया, सबको अपने अपने घरों में खुद से ताला लगाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और हमारे बड़े संख्या में इस राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश में गए हुए नौजवान साथी, महिला पुरुष अलग अलग राज्यों में
काम कर रहे थे। लॉकडाउन हुआ, वो रोजगार भी बंद, और इस रोज लॉक कोरोना ने कई सारी कंपनी, ये कोविड ऐसा था, ये कोरोना ऐसा था जिसने मानव जीवन के हर चीज को प्रभावित किया। कई लोग इस कोविड काल में अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कई कारखाने भी बंद हो गए, और आज भी उस कोरोना कोविड का असर पूरे दुनिया में पड़ा हुआ है। अभी भी उससे दुनिया उभर नहीं पाई है। इतनी बड़ी ये वैश्विक समस्या रही है। उस समय हम लोगों के पास, हमें समझ में नहीं आता था कि तो हम लोग करें तो क्या करें, ना इस महामारी का कोई दवा ना इलाज, और उसमें भी ना हमारे पास अच्छे अस्पताल ना डॉक्टरों का भरमार, कई सारी चुनौती। और लॉकडाउन होने के बाद जो हमारे मजदूर देश के अलग अलग कोने में फंस गए, सात समुद्र पार भी फंस गए, उनके लिए भी अलग चुनौती। अब वो बेघर हो चुके थे, फैक्ट्रियां बंद, फैक्ट्री से बाहर कर दिया गया, किसी के यहां कोई ड्राइवरी का काम करता था तो उसको भी बाहर कर दिया। बहुत पीड़ादायक स्थिति थी। ऐसा मंजर भगवान ना करे दोबारा कभी दुनिया को देखने को मिले। लेकिन इस वैश्विक महामारी में हम लोग सोते नहीं थे, 24 घंटा ये सोचते थे कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए कि राज्य की जनता को हम लोग सुरक्षित रखें। राज्य के अंदर जो लोग हैं उनको भी बचाने की चुनौती हो गई, और जो राज्य के बाहर फंस गए उनको भी बचाने की चुनौती आ गई। फिर धीरे 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 हम लोगों ने भी अपना कमर कसा, और ये निर्णय लिया कि नहीं, अब हाथ पे हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। तब आपको याद होगा, देश का ये झारखंड पहला प्रदेश था जहां हम अपने मजदूरों को हवाई जहाज से ढो ढो करके ला करके घर पहुंचाने का काम करते। जो चीज मिला, हवाई जहाज मिला, ट्रेन मिला, बस मिला, ट्रक मिला, सबको अलग अलग जगह से ढोने का काम है। समझिए तो उस समय हम कोरोना ढो ढो करके ला रहे थे अपने राज्य में, और उस समय हमारे राज्य में ऐसे भी लोग हैं कि अगर उसको एक दिन मजदूरी नहीं मिलेगा तो उसका चूल्हा नहीं जलता था, पूरा परिवार भूखा सोता है। इतना गरीबी का आलम इस राज्य में रहा है। लॉकडाउन में हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद। अब वो मजदूर खाएगा क्या, ये चुनौती हो गई। हम लोगों ने
उस चुनौती को भी मजबूती के साथ, उस चुनौती को पार किया और गांव गांव, पंचायत पंचायत, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर आपकी जैसी हमारी महिला समूह की दीदियों ने हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाया और गांव गांव में मुफ्त का अनाज बना बना करके गरीबों को बांटने का काम किया था। आप लोग लगभग सब लोग के पास आजकल मोबाइल है, व्हाट्सएप फेसबुक आप लोग बहुत देखते हैं। हम लोग के पड़ोस के राज्यों में इस कोरोना से ऐसे लोग मरते थे मानो जानवर मरते हो। उन राज्यों में लोग इस तरीके से मरे कि दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गया, जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गया, लेकिन झारखंड जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में हम लोगों ने बिना अफरा तफरी का, बिना हो हल्ला हंगामे का, ना किसी को इस कोरोना में मरने दिया और ना ही किसी को हतोत्साहित होने दिया और शांतिपूर्वक इस कोरोना को हम लोगों ने अपने बगल से गुजार दिया। लेकिन इस चुनौती को लड़ाई लड़ने में हमारे सरकार का हर एक व्यक्ति, हमारे व्यवस्था का हर कर्मचारी दिन रात लगा रहा। उसमें से कुछ स्वास्थ्यकर्मी की जाने चली गई और इस राज्य की जनता की सेवा में मेरे दो दो मंत्रियों की जान चली गई। तब जाकर के इस राज्य की जनता को हम लोगों ने सुरक्षित रख पाए। बहुत ही अजीबोगरीब हालत थी। अब जब इसका धुंध हटने लगा तब आगे क्या किया जाए, कैसे रोजगार सृजन हो। आज तक तो इस राज्य में सिर्फ कोयला, लोहा, अब्रक, गिट्टी, पत्थर यही सब होता रहा और आज से नहीं 100 साल से ये काम चल रहा है। यहां से कोयला निकाला जा रहा है, यहां से कई खनिज संपदाएं निकाली जा रही है, लेकिन जो हमारे इस 100 साल के अनुभव को जब हमने देखा तो उसका बहुत ज्यादा लाभ इस राज्य के लोगों को नहीं मिला, बल्कि हमारे इस राज्य के खनिज संपदा से दूसरे राज्य के लोगों का पेट भर रहा है। उनके घरों में रोशनियां जलती हैं, बिजली जलती है, कंपनियां चलती हैं, लेकिन आज भी हमारे राज्य के गांव में उस समय गांव अंधेरों में डूबा रहता था। हम लोगों ने बहुत कागज पत्थर इधर उधर उल्टा उलट पुलट किया। हमने सोचा छोड़ो, कोयला लोहा का जो खनन है वो अपना जो चल रहा चलने दो और कुछ दूसरे रास्ते को हम लोग ढूंढे। और इस रास्ते में सबसे पहले हम लोगों ने जो अपने उद्योग पॉलिसी बनाया उस माध्यम से हम लोगों के साथ जो अप्रैल इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ संवाद शुरू किया, रोजगार सृजन करने की गारंटी ली,